आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र या राज्य सूचना आयोग में अपीलवाद वो शिकायतवाद दायर करने में क्या अंतर है। आज हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। इसमें महत्वपूर्ण चार अंतर है जिसे सबको जानना अति आवश्यक है। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र मिलता रहे। तो चलिए हम लोग जाने। पहला अंतर है कि शिकायतवाद दायर करना है या द्वितीय अपील करना है, इस बात को समझ लें। तो जब हमें द्वितीय अपील दायर करना हो तो हम लोग धारा 19(3) का उपयोग करेंगे, और जब शिकायतवाद दायर करना है तब धारा 18(1) के तहत करेंगे। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि द्वितीय अपील दायर करने में 10 रुपये का शुल्क के रूप में पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या नगद या चेक के द्वारा आप लोग दे सकते हैं, तो वह द्वितीय अपील 19(3) के तहत दायर करने में अति आवश्यक है, उसे देना पड़ेगा। और शिकायतवाद दायर करने में कोई शुल्क दे नहीं है, किसी भी शुल्क की जरूरत नहीं। तीसरा अंतर है कि यदि प्रपत्र को वो प्रथम अपील के बाद भी सूचना नहीं दी जा रही है और वह सूचना लेनी आवश्यक है तो हम लोग धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील दायर करेंगे। और जब सूचना दी गई और सूचना झूठी, बनावटी, भ्रमित करने वाली या गुमराह करने वाली हो तब हम लोग धारा 18(1) के तहत शिकायतवाद दायर करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं, इस वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। चौथा है कि जब कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, हम लोग प्रपत्र को भी भेजें सूचना के लिए, प्रथम अपील भी किए हैं, किसी भी पदाधिकारी द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई है, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है तो हम लोग द्वितीय अपील धारा 19(3) के तहत करेंगे। और शिकायत बात कब करेंगे, जब आवेदन लेने से इनकार किया या लिफाफे को वापस कर दिया या किसी तरह का संपर्क करने पर भी व्यवहार ठीक से नहीं किया तो हम लोग शिकायतवाद दायर कर सकते हैं। आशा है आप लोग दोनों के अंतर को ठीक से समझ गए होंगे और आप लोगों को जो आवश्यक हो उस धारा का उपयोग कर या तो द्वितीय अपील वाद दायर करेंगे या शिकायतवाद दायर करेंगे। जय हिंद।